राजौरा में एडवोकेट यादवराव धोटे कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों के लिए रैली निकाली, जिसमें कॉलेज के प्राध्यापक भी शामिल हुए। क्या थी छात्रों की मांगे, आइए देखते हैं इस खबर में। एडवोकेट यादवराव धोटे कनिष्ठ महाविद्यालय तथा स्मृति महाविद्यालय राजौरा की ओर से आज शहर में एक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ महाविद्यालय के प्राध्यापक वर्ग भी उपस्थित थे। गौरतलब है एसटी महामंडल के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते महाविद्यालय के छात्रों को महाविद्यालय तक आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही एसटी के बंद होने से निजी वाहन धारकों द्वारा छात्रों से अनाप शनाप किराया मांगने की बात भी छात्रों ने कही, साथ ही दुर्घटना का भी अंदेशा बना रखा है। वहीं इस मौके पर सिटी न्यूज के विशेष प्रतिनिधि कृष्ण कुमार ने महाविद्यालय के छात्रों के साथ प्राध्यापक वर्ग से इस संबंध में बातचीत की, तो सुनिए इस संदर्भ में उन्होंने क्या कहा। स्वयं बस बंद शैक्षणिक शिक्षणाचे नुकसान होत आहे, ज्यामुळे आम्ही ही रॅली काढली। बस बंद असल्यामुळे आम्हाला येण्या जाण्याचा त्रास होत आहे आणि आम्ही गरीब परिस्थिती खूप आहे, त्यामुळे आम्हाला बस एसटी बस चालू केलीच पाहिजे। ॲटोचे प्रमाण ॲटोचे रेट खूप जास्त झाले आणि ॲटोमध्ये कोरोना कारण त्यांनी 4 जण बसवत होते आणि आता बस बंद असल्यामुळे त्यांनी जास्त जणांना बसवत आहे आणि त्यामुळे कोरोनाचं पण जास्त होते आणि 2 वर्षापासून आम्हाला कोरोनापासून खूप त्रास होत आहे आणि बस बंद आहे, त्यामुळे पण आम्ही दूर गावचे मुली मुलं आहे शिक्षणासाठी येत असतात, आम्हाला बस चालू झाली तर खूप छान होईल। शैक्षणिक और शारीरिक जो हमारी शैक्षणिक है वो हमें बहुत नुकसान हो रहा है, उसमें आने जाने के लिए दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। और ऑटो वाले ने क्या बहुत पहले 4 जन बैठाते थे, अब वो 8-8 जन बैठा रहे। और ऐसे ही एक घटना हुई औरंगाबाद में, उधर एक ऑटो ने कपल्टी हो गए, उसमें जीवित हानि भी हो गई। इसलिए मेरी यकीन ये है कि बस सेवा शुरू होनी चाहिए। एडवोकेट यादव धोटे जूनियर कॉलेज राजौरा इथून माझ्या कॉलेजचे विद्यार्थी मोर्चा काढत तहसील कार्यालयापर्यंत आम्ही आलो आहे, आपली मागणी मांडण्यासाठी निवेदन देण्यासाठी आम्ही नायब तहसीलदार आणि तहसीलदार यांना दिलो आहे। विद्यार्थ्यांची मागणी हीच आहे आणि रास्त आहे आणि आमचीसुद्धा मागणी तीच आहे की विद्यार्थी जेव्हा सकाळून घरून निघतो तर त्याला विविध प्रश्नांना तोंड द्यावं लागत आहे। तो विद्यार्थी बसवाल्यांचा हरताळ सुरू असल्याकारणानं बस बंद आहे, विद्यार्थी घरून निघते वेळेस ते लिफ्ट मागून ॲटोमधून काळी पिवळी या गाडीतून अपेक्षेपेक्षा जास्त ज्या हिशोबानं तिकीट आहे 10 रुपये 15 रुपये त्याच्याऐवजी 10 च्या जागी 50 रुपये आणि 15 च्या जागी 75 रुपये देऊन जाणं 75 वापस घरी जाणं 75 म्हणजे त्याला 150 रुपयाचा आर्थिक भूर्दंड सहन करा। इस रैली में एडवोकेट यादवराव धोटे कनिष्ठ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश दुर्योधन, प्रभारी प्राचार्य ऋषार शेख, प्राध्यापक वर्षा पोड़े, प्राध्यापक अल्पना कवाड़े, प्राध्यापक सुप्रिया गुंड, प्राध्यापक रेणुका देशकर, प्राध्यापक गोविंद झाड़े, प्राध्यापक मंगेश गुड़मेथे, प्राध्यापक मंगेश कुड़मेथे, प्राध्यापक मनीषा, प्राध्यापक मनीषा राखुंडे, प्राध्यापक नाजी सैयद, प्राध्यापक धनंजय डवरे, प्राध्यापक आसावरी जूतोड़े, प्राध्यापक मंगेश पाजारे, प्राध्यापक गौरी पायदोड़ के साथ अन्य लोगों में प्रकाश जगताप सर, विशाल चंदन खेड़े सर, स्वप्निल डावले सर, आशीष धानोरकर, सचिन कुमरे, कमलाकर पायपरे, तुकाराम आदि का समावेश था। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।